हेलो एवरीवन, एपिसोड के स्टार्ट में एक क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और उस लड़के की नज़रों से बचकर एक गर्ल उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वही बॉय उस गर्ल के साथ रोमांस कर रहा था और कुछ देर बाद में वह अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसी बॉय की तरफ देख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइम और क्रेट को दिखाते हैं। क्रेट टाइम से कहता है ये बहुत ही अच्छी जगह है। क्रेट कहता है कि मैं यहाँ पर हमेशा रहना चाहता हूँ लेकिन हम यहाँ पर रह नहीं सकते। इस पर टाइम उससे कहता है लेकिन हम लोग कुछ देर तो रुक सकते हैं। यह सुनकर क्रेट टाइम की तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टाइम क्रेट के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सिंग करता है जो क्रेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। टाइम उसे बताता है अगर मेरे पेरेंट्स कभी गुजरे ना होते तो शायद मैं भी आज एक म्यूजिशियन होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक डॉक्टर क्यों बन गया। क्रेट टाइम से पूछता है तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे साथ वो सब मेरे पेरेंट्स ने किया है। टाइम कहता है क्योंकि ये सब मेरी मॉम की डायरी में लिखा हुआ था। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे डैड की कंपनी में इन्वेस्ट किया था और जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को मनी दिया तो तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को हैरेस करने के लिए लोग भेज दिए और फिर इन द एंड उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को सूट कर दिया। यह सुनकर क्रेट कहता है लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स ने यह सब किया होगा। टाइम कहता है हाँ यह सब यकीन नहीं होता इसलिए तो मुझे खुद एविडेंस ढूंढना होगा। क्रेट कहता है वैसे तुम्हारा नान के साथ क्या रिलेशनशिप है। टाइम बताता है कि मैं उसे हॉस्पिटल में मिला था। एक्चुअली सामरन नान को हॉस्पिटल लेकर आया था क्योंकि उसके पेट में काफ़ी दर्द था। टाइम उससे जो भी कुछ पूछ रहा था उसका रिप्लाई सामरन दे रहा था। यह देखकर टाइम को थोड़ा अजीब लगता है और तभी टाइम की नज़र सामरन की टी शर्ट पर जाती है जहाँ पर वह क्रेट की डैड की कंपनी का नाम देखता है। तो यह देखकर फिर वह उसे बाहर भेज देता है और फिर वह नान से कहता है तुम बता सकती हो इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है एंड मैंने उसका शर्ट देख लिया है तो मैं जानता हूँ और अगर तुम उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। यह सुनकर नान टाइम की तरफ देखने लगती है। टाइम फिर क्रेट को बताता है नान के पेट में दर्द था इसलिए मैंने उसे चेक किया था लेकिन एक्चुअली में वह एक इकोटोपिक प्रेगनेंसी थी। नान इसके बाद अपने फ्रेंड मॉन के पास जाती है। मॉन उससे पूछती है तुम हॉस्पिटल से इतना जल्दी क्यों आ गई तुम्हारी तो सर्जरी हुई थी ना। यह सुनकर नान कहती है डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब ठीक हूँ तो मैं घर आ सकती हूँ। तभी मॉन कहती है सामरन ने तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर लेकर आया है ना तुम्हें एक दो दिन और रहना चाहिए था। इस पर नान कहती है कोई बात नहीं मैं मैनेज कर सकती हूँ। मॉन पूछती है तो तुम्हारा पेट दर्द तो हुआ था ना। नान यह सुनकर रोने लग जाती है और वह मॉन को बताती है उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था लेकिन वो प्रेगनेंसी अनस्टेबल थी मैं इस जगह पर वो नहीं रहना चाहती मुझे ये जगह बिल्कुल हेल की तरह लगती है। आई एम सॉरी मुझे तुम्हें यहाँ पर वर्क के लिए नहीं लाना चाहिए था। मॉन कहती है कोई बात नहीं तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन नान काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। ऐसे ही करके कुछ मंथ और बीत जाते हैं। एक दिन नान सामरन के पास जाकर उससे मॉन के बारे में पूछती है। सामरन उसे कुछ नहीं बताता। नान की नज़र सामरन के शर्ट पर लगे हुए ब्लड पर जाती है जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड बाद में उसे पता चलता है कि मॉन प्रेग्नेंट थी और उन लोगों ने उसे मार दिया था। यह देखकर नान काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। यह सब सुनने के बाद क्रेट टाइम से पूछता है कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो। टाइम कहता है मुझे नान से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसे पूरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा एंड उसके बाद मैं मीडिया को दे दूंगा। क्रेट कहता है प्लीज़ ऐसा मत करना। इस पर टाइम कहता है तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्रेट कहता है मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। टाइम कहता है ठीक है मैं तुम्हें वक्त दे दूंगा लेकिन क्या तुम अपने पेरेंट्स से जाकर कह दोगे कि वो सब कुछ कन्फ्यूज कर दे। क्रेट कहता है वो मेरे पेरेंट्स हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इस पर टाइम कहता है देखा तुम भी अपने पेरेंट्स को ही सपोर्ट करने वाले हो ना और अगर तुम ये सब काम नहीं कर सकते तो तुम्हें मुझसे वक्त भी नहीं मांगना चाहिए। वो लोग तो दूसरे को मारकर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी लाइफ बिता रहे हैं लेकिन तुम ये सब चीज़ों कैसे समझोगे। इस पर क्रेट कहता है तो अगर नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही हुआ तो। इस पर टाइम कहता है
मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ये कहते हुए वह जाने लगता है। क्रेट कहता है, तुम्हारी ग्रांड माँ तो है ना, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी ग्रांड माँ की फिक्र है। दूसरी तरफ खोन को भी क्रेट के बारे में पता चल जाता है तो वह पूछता है कि क्रेट वहाँ पर क्यों गया था। सामरन कहता है, हमें ये बात चेयरमैन को बतानी चाहिए। इस पर कौन कहता है कि मैं पहले एक बार क्रेट से बात करना चाहता हूँ। और कौन क्रेट के लिए काफ़ी टेंशन ले रहा था, लेकिन सामरन आकर कौन के डैड को बता देता है। इस पर उसका डैड कहते हैं, कोई चीज़ लीक तो नहीं हुई है ना। सामरन कहता है, इस बारे में मैं श्योर से नहीं कह सकता। डैड कहते हैं, और उस लड़के का क्या हुआ। इस पर सामरन कहता है, वो अभी हॉस्पिटल में है और मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एक बार हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगी मैं उसे मार दूंगा। डैड सामरन को ऑर्डर देते हैं कि नान के साथ जो कोई भी दूसरा पर्सन है वह उसके बारे में भी पता लगाएं। क्रेट की माम उसे काफ़ी बार कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। क्रेट टाइम को हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। टाइम उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो। क्रेट कहता है, मैं अपने रूम जाकर अपने लगेज को लेकर आऊँगा और उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए होटल में रुकने वाला हूँ। बस तुम मुझे 1 या 2 दिन का वक्त दे दो और उसके बाद जाकर मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा। टाइम कहता है, तुम वहाँ पर अकेले ही जाने वाले हो और अगर उस आदमी ने तुम्हें मार दिया तो। इस पर ग्रेट कहता है, डोंट वरी, वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मार सकता। यह सुनकर टाइम उसे कहता है, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। और फिर वह उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब टाइम जा रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन जब वह पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही वह टर्न होता है सामने उसे सीनियर डॉक्टर मिल जाता है जो उससे पूछता है कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे और तुम मेरी कॉल्स को भी पिकअप नहीं कर रहे थे। टाइम कहता है, वो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। सीनियर डॉक्टर कहता है, अभी जो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया था वो कौन था, क्या तुम्हारा कोई न्यू बॉयफ्रेंड है। टाइम कहता है, तुम्हें इसके बारे में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सीनियर डॉक्टर कहता है, डोंट वरी, मैं तो पता लगा ही लूँगा। तभी हमें एक मास्कमैन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों पर नज़र रख रहा था। क्रेट जब अपने रूम की तरफ जा रहा था तभी वहाँ पर कौन आ जाता है और वह उससे कहता है, कार में बैठूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन क्रेट नहीं बैठता तो कौन उससे कहता है, तुम लास्ट नाइट किसके साथ थी, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यह सुनकर क्रेट उससे कहता है, खतरा मुझे किससे है, आपसे। कौन कहता है, तुम्हें यह सब किसने बताया और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। क्रेट कहता है, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आप ऑनलाइन गेमलिंग करते हो। इस पर कौन कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहता था, बस ये सही वक्त नहीं था। एक बार जब तुम्हारी कॉलेज फिनिश हो जाती और तुम वक्त पर आ जाते तो मैं सब कुछ बता देता। क्रेट कहता है, आप जानते भी है ये कितने लोगों को हार्म कर चुका है। कौन कहता है, लेकिन यही बिजनेस की वजह से हमारी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। और अगर तुम्हें यह सब काम करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर क्रेट कहता है, और मैं ये सब कर भी नहीं सकता। यह कहते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। कौन क्रेट को रोकते हुए कहता है, अगर तुम अभी इसी वक्त नहीं रुकी तो फिर मैं सब कुछ जाकर डैड को बता दूंगा और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इस पर क्रेट कहता है, आप कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। यह कहते हुए वह निकल जाता है। वह अपने रूम पर था, वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन तभी वह घड़ी की तरफ देखता है जिसका 1 मिनट और बढ़ चुका था। यह देखकर क्रेट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। टाइम जब घर आता है तो वह क्रेट के डैड को वहाँ पर देखता है। वह उनसे पूछता है कि आप अंदर कैसे आए। इस पर डैड कहता है, तो बताओ तुम्हें कितना मनी चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। टाइम कहता है कि मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। डैड कहता है, 5 मिलियन लो और क्रेट और मेरी कंपनी से दूर हो जाओ, वरना। यह सब सुनने के बाद टाइम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है तो वह नेक्स्ट डे नान के पास जाता है और वह उससे पूछता है, जो भी तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है। इस पर नान बताती है, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुम्हें सेंड कर दिया था और सब कुछ मेरे पास पिकअप में भी है। तो टाइम उससे कहता है कि उन सभी फाइल्स को डिलीट कर दो और जैसा मैं करने को कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। नान कहती है, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सब कुछ देख लोगी, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को जेल में देखना चाहती हूँ। टाइम कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है।
तभी नान कहती है, उन लोगों ने तुम्हें खरीद लिया है ना, यह सुनकर टाइम वहीं पर रुक जाता है। नान उसे कर्ज करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, लेकिन टाइम उसके बिना बात सुने वहाँ से निकल जाता है। नान को चेक करने के लिए एक नर्स आती है तो नान उससे फ़ोन मांगती है। इसके बाद वह रिकॉर्ड करती है और ग्रेट के डैड का जो भी काला चिट्ठा था वह सब कुछ उसमें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और नेक्स्ट डे ये सभी चीज़ें हेडलाइंस में आ चुकी थी। तभी हमें एक औरत को दिखाते हैं जो कि ग्रेट को डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। ग्रेट के डैड को भी इस बारे में पता चलता है तो वह कौन को डांटने लगते हैं। कौन कहता है कि यह सब ग्रेट ने किया है। यह सुनकर मॉम कहती है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। कौन कहता है, आप हर चीज़ के लिए मुझे ही ब्लेम करना चाहती है जबकि गलती तो आप सब ने की है। यह सुनकर डैड कौन को एक स्लिप मार देते हैं। यह देखकर कौन को अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से चला जाता है और फिर वह सीधा उसी लड़की के पास आता है। वह लड़की उससे कहती है, मैंने भी न्यूज़ देखी थी। कौन उस पर भड़क पड़ता है और कहता है, सभी लोग बस मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। वह लड़की कहती है, मेरे डैड तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी और उस लड़के को छोड़ना होगा। यह सुनकर कौन जाने लगता है। तभी वह लड़की कहती है, तुम्हारे पास चूज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो कौन फिर से उसके पास आ जाता है। ग्रेट को उनको कॉल करता है लेकिन वह कॉल पिकअप नहीं करता तो ग्रेट को लगता है कि कहीं उसने उसे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। इसके बाद वह टाइम के घर आता है लेकिन जब वह वहाँ पर रेंटल बोर्ड को देखता है तो उसे देखकर वह काफ़ी घबरा जाता है। फिर से हमें उसी लेडी को दिखाते हैं जो कि एक टेम्पल में प्रे कर रही थी और वह कुछ स्टिक्स को हिला रही थी जिनमें से एक स्टिक नीचे आकर गिर जाती है। तो फिर वह उसे लेकर फादर के पास जाती है। फादर उस स्टिक को देखते हुए कहते हैं, हो सकता है कि शायद कोई मारने वाला है। वह लेडी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि कोई उस लेडी पर नज़र रखे हुए था। ग्रेट अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वह जाते ही अपने फादर से पूछता है कि टाइम कहाँ पर है। उसके फादर कहते हैं, तुम उस लड़के का साथ क्यों दे रहे हो। ग्रेट कहता है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपने क्या किया है। फादर कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि वह बस तुम्हारा यूज कर रहा था। यह सुनकर ग्रेट कहता है, आपने उन लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया, आपको उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फादर कहते हैं, मैंने ये सब हमारी कंपनी को चलाने के लिए किया है ताकि तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको। यह सुनकर ग्रेट कहता है, मैं कभी भी इस जगह पर अब दोबारा कदम नहीं रखूंगा। यह कहते हुए वह निकल जाता है। मॉम उसके पीछे जाकर कहती है कि तुम्हें अपने डैड से माफ़ी मांगनी चाहिए। ग्रेट कहता है, मॉम आपने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, आप बताएंगे कि आपने ये सब क्यों किया। मॉम कहती है, मैंने तुम्हारे लिए किया। ग्रेट कहता है, मेरे लिए या अपने लिए या इस कंपनी के लिए, लेकिन मॉम मेरा क्या होगा। यह सुनकर मॉम कहती है, मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हारे लिए ही किया है, तुम ये सब चीज़ समझते क्यों नहीं हो, जाओ और जाकर अभी अपने डैड से माफ़ी मांगो। लेकिन ग्रेट वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वह अपनी मॉम की तरफ देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ती है जिसके हाथ में गन थी और वह पर्सन जैसे ही उसकी मॉम को शूट करने वाला था तभी ग्रेट उसके सामने आ जाता है और फिर वह अपनी मॉम से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी और फिर वह पर्सन उसकी मॉम को भी शूट कर देता है। यह सब देखकर तो ग्रेट तो काफ़ी ज़्यादा सुख हो जाता है। इसके बाद ग्रेट फिर से उसी ऑरेंज रूम में चला जाता है। बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि हमारा दिमाग बिल्कुल बंद नहीं होता, कुछ फंक्शन काम करते हैं लेकिन हमारे वही एक्सपीरियंस उस वक्त नज़र आते हैं जो हमने फील किए हो। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल पावर मिलती है और कुछ लोग पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को फिक्स करना चाहते हैं और कुछ लोग अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन पेशेंट को यही लगता है कि यह सब रियल में है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस पेशेंट्स की मेमोरीज होती है। और 4 मिनट देखने का फ्यूचर, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि इस बारे में अभी भी स्टडी नहीं हुई है। लेकिन हमारा प्रेम बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 4 मिनट तक ही सर्वाइव कर पाता है। सीनियर डॉक्टर नर्स के साथ जब घर जा रहा था तभी उसकी नज़र वहाँ पर आते हुए ग्रेट पर जाती है जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो वही लड़का है ना। दूसरी तरफ हमें टाइम को दिखाते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा का केयर कर रहा था। ग्रैंडमा उसे कहती है, क्या हम लोग घर नहीं जाने वाले।
इस पर टाइम उससे कहता है अभी खतरा है तो अभी हम लोग नहीं जा सकते और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम घर चले जाएंगे। इस पर ग्रैंडमा कहती है तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। वह कुछ कहता उससे पहले ही उसके पास कॉल आ जाता है तो कॉल को कट कर देता है। लेकिन जब फिर से उसके पास कॉल आता है तो वह कॉल पिकअप कर लेता है। सीनियर डॉक्टर उससे कहता है जो लड़का उस दिन तुमसे मिलने के लिए आया था वो अभी ऑपरेशन रूम में है और उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। यह कहते हुए वह कॉल कट कर देता है और यह सब सुनकर टाइम तो काफ़ी ज़्यादा सुख हो जाता है और फिर वह तुरंत ग्रेस से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। वह सोच रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या गया है। और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।